इसरो ने फिर रचा इतिहास, भारत का सबसे बड़ा LVM3 रॉकेट किया लॉन्च, अंतरिक्ष में एक साथ ले गया 36 सैटेलाइट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज 26 मार्च को एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया। ब्रिटिश कंपनी के उपग्रहों को लेकर इसरो का LVM3 प्रक्षेपण यान ने सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 43.5 मीटर लंबा इसरो का ये रॉकेट ब्रिटेन की एक कंपनी के 36 उपग्रह को एक साथ लेकर रवाना हुआ। जिन उपग्रहों को लेकर LVM3 ने उड़ान भरी उनका कुल वजन 5,805 टन है। इस मिशन को LVM3 OneWave India 2 नाम दिया गया है। इसरो ने ट्वीट कर इस मिशन के लॉन्चिंग की जानकारी दी थी। LVM3 इसरो का सबसे भारी भरकम प्रक्षेपण यान है जो अब तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। दरअसल ब्रिटेन की OneWave ग्रुप कंपनी ने इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड से 72 उपग्रह लॉन्च करने का करार किया था। इसने 23 अक्टूबर 2022 को 23 उपग्रह इसरो पहले ही लॉन्च कर चुका है। आज बाकी 23 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। इसरो की इस लॉन्चिंग से पृथ्वी की कक्षा में Web-1 कंपनी के उपग्रहों की कुल संख्या 616 हो जाएगी। वहीं इसरो के लिए इस साल का ये दूसरा प्रक्षेपण है। इसरो के मुताबिक ये लॉन्चिंग अगर कामयाब रहती है तो OneWave India 2 स्पेस में 600 से ज्यादा लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के कॉन्स्टेलेशन को पूरा कर लेगी। साथ ही इससे दुनिया के हर हिस्से में स्पेस आधार ब्रॉडबैंड इंटरनेट योजना में मदद मिलेगी।